नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं ग्राम शिक्षा योजना एवं शाला विकास योजना वर्ष 2024-25 का यह प्रपत्र। इस प्रपत्र में किस तरह से जानकारी भरी जानी है, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। यहाँ देखेंगे इस बॉक्स के अंदर जो जानकारी दी गई है, ग्राम का नाम अर्थात आपकी शाला जिस ग्राम में है उस ग्राम का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात आपके ग्राम की जो पंचायत है उस पंचायत का नाम यहाँ पर आ जाएगा, विकासखंड का नाम, जिला का नाम। फिर ग्राम में शासकीय शालाओं की संख्या, यहाँ पर शासकीय शालाओं की संख्या और यहाँ नीचे देखेंगे ग्राम में अशासकीय शालाओं की संख्या, तो यहाँ पर प्राथमिक शालाओं की संख्या, ठीक है, यदि एक है तो एक लिखना है, ठीक, दो है तो दो लिखना है। प्रायः प्रत्येक ग्राम में लगभग एक ही प्राथमिक शाला, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। माध्यमिक शालाओं की संख्या, यदि माध्यमिक शाला है तो माध्यमिक शाला यहाँ पर एक आ जाएगा। दूसरा पूर्व माध्यमिक शाला, यहाँ पर यानी हाई स्कूल वगैरह जो हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर ग्राम में अशासकीय शालाओं की संख्या वही रहती है प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक, तो केवल यहाँ पर आपको संख्या दे देना है। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा आगे ग्राम शिक्षा योजना वर्तमान की स्थिति एवं वर्ष 2023-24, तो वर्तमान जो स्थिति है 2023-24 की यहाँ जानकारी भरना है। ग्राम का नाम आ जाएगा, ग्राम में कुल बसाहटें कितनी है, अर्थात जो ग्राम, जिस ग्राम में आपका विद्यालय है उस ग्राम के अंतर्गत अर्थात आपके विद्यालय के अंतर्गत कौन कौन सी बसाहटें हैं, कितने टोले वगैरह हैं, तो यहाँ उनकी कुल संख्या दे देना है ग्राम सहित, ठीक है। फिर बसाहट का नाम दे देना है यहाँ पर, ठीक है, जो मुख्य बसाहट जो है आपकी जहाँ शाला है। फिर 6 से 11 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, प्राथमिक शाला है या हाँ या नहीं भरना है यहाँ पर, यदि नहीं है तो निकट की शाला का नाम भरना है और उससे दूरी कितनी है, यहाँ दूरी भर देना है। इसके पश्चात इस वर्ष संचालित गतिविधियाँ एवं प्रगति के बारे में विवरण यहाँ पर देना है, अर्थात इस वर्ष के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ और प्रगति आपके विद्यालय में हुई है, ठीक है, कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं उसके बारे में विवरण देना है। जैसे FLN का संचालन आपके विद्यालय में हो रहा है, ठीक है, खेल खेल में आप लोग अध्यापन करा रहे हैं, इसके अलावा आपके विद्यालय की कोई और प्रगति हुई है उसका विवरण यहाँ पर दे देना है। फिर अगले वर्ष की कार्ययोजना यानी आगामी वर्ष के लिए जो कार्य योजना है यहाँ भरना है। बच्चों के संदर्भ में यहाँ पर नामांकन बालक बालिका और कुल नामांकन है और फिर ठहराव भरना यहाँ पर और यहाँ पर उपलब्धि स्तर का उपलब्धि स्तर कितना है। तो ये नामांकन में हम देखें तो कितने बालक नामांकित हैं और बालिका कितने नामांकित होंगे उसकी जानकारी। फिर ठहराव यानी जो विद्यालय में बच्चे दर्ज हुए हैं वो कोई बाहर तो नहीं हो रहे शाला के, ठीक है, तो ठहराव क्या है उसके बारे में यहाँ जानकारी देना है। फिर उपलब्धि स्तर यानी बच्चों का जो उपलब्धि स्तर है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देना है, ठीक। उच्च सामान्य औसत यहाँ पर हम बढ़ सकते हैं। इसके पश्चात ग्राम में शासकीय शालाओं की जानकारी, जो आपका ग्राम है उस ग्राम में जो शासकीय शालाएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। शाला का नाम यहाँ आ जाएगा, दर्ज बालक कितने हैं, दर्ज बालिकाएं कितनी हैं, दोनों का योग यहाँ पर आ जाएगा। कार्यरत शिक्षकों की संख्या यहाँ आ जाएगी, उन कार्यरत शिक्षकों में कितने प्रशिक्षित हैं उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। पर यहाँ पर माध्यमिक शाला के संबंध में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी यहाँ आ जाएगी, सामाजिक विज्ञान के कितने शिक्षक हैं, विज्ञान के कितने हैं और भाषा से संबंधित भाषा समूह के संतर्गत कितने हैं, तो यहाँ उनकी संख्या आ जाएगी। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर शासकीय शालाओं की अधोसंरचना जानकारी, ठीक है, यहाँ शाला का नाम आ जाएगा, शाला भवन हाँ नहीं स्वीकृत किंतु अपूर्ण, जो भी स्थिति यहाँ पर भरना है यहाँ दिया गया उनमें से एक भरना है। फिर शाला भवन की स्थिति के बारे में भरना है, शाला भवन की कैसी स्थिति है, अच्छी है, सामान्य है, रिपेयरिंग योग है, मेजर रिपेयरिंग योग है या जीड़ सीड़ है, उसकी जानकारी यहाँ भर देना है। फिर शौचालय बालक बालिकाओं की जानकारी यहाँ भरना है, पेयजल सुविधा के बारे में भरना है, किचन सेट की सुविधा पूर्ण या अपूर्ण पिटिक लगा देना है यहाँ पर। फिर बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, यदि हाँ तो रनिंग मीटर कितने मीटर की आवश्यकता है बाउंड्री वॉल के लिए, तो यहाँ मीटर में जानकारी भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर संख्या भरना है, बालक शौचालय कितने हैं, एक दो जितने भी हैं भरना है बालिका, पेयजल सुविधा हाँ नहीं भरना है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम देखें अंत में तो ग्राम में
अन्य बसाहटों से आने वाले बच्चों की जानकारी। आपके ग्राम में यदि अन्य बसाहटों से बच्चे आते हैं तो अन्य बसाहट का नाम जहाँ से बच्चे आते हैं, विशेष तौर से माध्यमिक शाला है, जब माध्यमिक शाला में आसपास के ग्रामों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन बसाहटों के यहाँ नाम दे देना है और वहाँ से आने वाले बच्चों की संख्या यहाँ लिखना है, शाला से बसाहट की दूरी कितनी है यहाँ देना है, फिर ग्राम की शिक्षा संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो उससे संबंधित जानकारी को यहाँ पर हमको दर्शाना है। अंत में हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा योजना समिति के अध्यक्ष और हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा योजना समिति के सचिव यानी प्रधानाध्यापक अर्थात एसएमसी के अध्यक्ष के यहाँ हस्ताक्षर और यहाँ पर सचिव अर्थात संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस ग्राम शिक्षा योजना शाला विकास योजना वर्ष 2024-25 को भर लेना है। बस यही जानकारी है, आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।